नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम भोजपुरी हलचल में, जिसमें हम आपको बताते हैं इंडस्ट्री और सितारों से जुड़ी कुछ हलचल भरी खबरें। पहली खबर जुड़ी है जाल फिल्म से, जिसका पहला लुक आया है सामने और साथ ही खेसारी लाल ने इस फिल्म को लेकर कुछ इंटरव्यू में बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी रियल जिंदगी से जाल फिल्म मिलती जुलती है। अगली खबर निरहुआ और पवन सिंह से जुड़ी है। निरहुआ का हाल ही में एक इंटरव्यू आया है, जिसमें वो प्रतिज्ञा जैसे फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं। शायद दोबारा से पवन के साथ निरहुआ कोई प्रतिज्ञा फिल्म लेकर आ सकते हैं। क्या है पूरा माजरा ये बताएंगे। इसके अलावा निरहुआ से ही जुड़ी खबर है कि चार देशों में शूट होगी निरहुआ की फिल्म अरब। जी हाँ, चार देशों में छह हीरोइनों के साथ निरहुआ की ये फिल्म शूट होने वाली है। खेसारी लाल ने नहीं दी है आम्रपाली को जन्मदिन की बधाई, क्या है इसके पीछे का कारण। और ऐसी तीन फिल्में जिनकी कमाई का रिकॉर्ड आज तक कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई, पुराने दौर की फिल्म है और अभी भी तहलका मचाती हैं, अभी भी हिट लिस्ट में ही शामिल है। कौन सी हैं ये तीन फिल्में, किस स्टार की है और अभी तक जितनी खबरें बताई हैं उसे विस्तार से जानने के लिए डालिए एक नज़र। हाल ही में खेसारी लाल यादव ने अपनी फिल्म जाल की शूटिंग शुरू की है और जहां कुछ टाइम पहले उनकी इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की गई वहां पर पूजा करके, तो वहीं अब हाल ही में खेसारी लाल यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान फिल्म जाल की कहानी को लेकर काफ़ी सारी बातें बोली। बता दें आपको कि खेसारी लाल यादव ने अपनी फिल्म जाल को लेकर कहा कि ये फिल्म एक ऐसी कहानी पर बेस्ड है जिसमें माता पिता की अहमियत बताई गई है और साथ ही साथ माँ बाप क्या रोल निभाते हैं किसी बच्चे की ज़िंदगी में ये बताया गया है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि इस फिल्म में आपका कैसा रोल है तो उन्होंने बताया कि मेरा रोल एक चोर का है। अब ये देखना भी काफ़ी मज़ेदार होगा कि खेसारी लाल यादव की फिल्म जाल लोगों को कितनी पसंद आती है और कब तक भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर आती है और इस फिल्म में खेसारी लाल यादव चोर की तरह किस तरह नज़र आते हैं और चोर के रोल में लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं। भोजपुरी सिनेमा की काफ़ी सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को दोबारा जीवंत करवाया है या जिनके रिकॉर्ड के आगे कोई नई फिल्म रिकॉर्ड नहीं बना पाई, तो वहीं दूसरी तरफ हर साल ऐसे ही रिकॉर्ड बनाने वाले स्टारों की तारीफें भी होती हैं और हर स्टार जद्दोजहद करता है कि उसकी फिल्म सबसे हिट हो या उसकी फिल्म कोई नया रिकॉर्ड बनाए। लेकिन पुरानी तीन फिल्में ऐसी हैं जिनकी कमाई के रिकॉर्ड अभी तक कोई फिल्में शायद ही बना पाई हों। इनमें सबसे पहली फिल्म आती है मनोज तिवारी की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला। 2004 से 5 के बीच में रिलीज हुई ये फिल्म सिर्फ 30 लाख रुपए की लागत में उस समय बनाई गई थी। इस फिल्म को 1200 से 1500 सिनेमा सेंटरों में रिलीज किया था। पहली बार कोई भोजपुरी फिल्म ऐसी थी जिसे 1200 से 1500 सिनेमा सेंटर मिले थे। इसकी कमाई ने बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री को भी चकित कर दिया था, क्योंकि इस फिल्म ने पूरे 10 करोड़ रुपए की कमाई उस समय पर की थी। इसके बाद आई फिल्म प्रतिज्ञा, जिसके जरिए पहली बार पवन सिंह और निरहुआ एक साथ नजर आए थे। इस फिल्म को 70 लाख की लागत से बनाया गया था। 2 महीने तक ये फिल्म सिनेमा सेंटरों में चलती रही और इस फिल्म की कमाई 11 करोड़ रुपए बताई गई। तीसरे फिल्म का नाम था निरहुआ रिक्शा वाला, जो 2008 में रिलीज हुई थी, जिसे 57 लाख की लागत से बनाया गया था, जो बिहार यूपी के मिलाकर कुल 1200 सिनेमा सेंटरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने भी 11 करोड़ तक की कमाई कर ली थी और इसी तरह दो दो फिल्मों से रिकॉर्ड स्थापित कर निरहुआ बन गए इंडस्ट्री के जुबली स्टार और एक से एक फिल्म वो लोगों के बीच देते गए। हालांकि उस कमाई तक अभी तक निरहुआ की ही कोई और फिल्में नहीं पहुंची हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में निरहुआ के 2 बार नाम दर्ज हो चुके हैं। आज भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत एक्ट्रेस और यूट्यूब की क्वीन निरहुआ की लकी गर्ल आम्रपाली दुबे का जन्मदिन है। सुबह से ही उन्हें चाहने वाले तमाम फैंस, दोस्त, को स्टार से लेकर फिल्म मेकर्स तक बधाई दे रहे हैं, कोई सोशल मीडिया के जरिए तो कोई आम्रपाली को फोन कर। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले आम्रपाली को बधाई दी है जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने। जी हाँ, निरहुआ ने रात के 12 बजे आम्रपाली का बर्थडे केक काट कर मनाया, क्योंकि दोनों फिल्म की शूटिंग के मकसद से एक
ही होटल में ठहरे हुए हैं, जहां की एक तस्वीर भी निरहुआ ने शेयर करते हुए लिखा है एक प्यार भरा कैप्शन। निरहुआ लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे स्वीटी, ड्रीम गर्ल और भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे। वेल, अगर आपको याद हो तो आम्रपाली के जन्मदिन पर पिछले साल निरहुआ ने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जहाँ इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज सितारे नजर आए थे। इस दौरान आम्रपाली को निरहुआ ने एक आईफोन भी गिफ्ट किया था, जो आम्रपाली अभी तक अपने पास बड़े संभाल कर रखती हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि निरहुआ आम्रपाली के लिए इस जन्मदिन पर क्या स्पेशल करने वाले हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री की दमदार एक्ट्रेस और अपनी खूबसूरती से सभी का दिल जीतने वाली आम्रपाली दुबे का आज जन्मदिन है। उन्हें फैंस की तरफ से और फिल्म मेकर्स की तरफ से खूब सारी बधाइयां मिल रही हैं। इंडस्ट्री के काफी सारे कलाकारों ने आम्रपाली को जन्मदिन की बधाई दी है, लेकिन आम्रपाली का जन्मदिन भूल गए पवन और खेसारी। जी हाँ, पवन के साथ एक फिल्म और 3 गाने कर चुकी हैं आम्रपाली। दोनों ने फिल्म के सेट पर अच्छी खासी बॉन्डिंग भी दिखाई है। तो वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल के साथ भी आम्रपाली 2 गाने कर चुकी हैं, लेकिन अफसोस पवन और खेसारी किसी को शायद आम्रपाली का जन्मदिन याद ही नहीं रहा, इसलिए तो अभी तक दोनों में से किसी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई नहीं दी। पवन क्रैक फाइटर की शूटिंग में इतने व्यस्त हो रहे हैं कि उन्हें सोशल मीडिया पर आने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। खेसारी लाल भी जाल फिल्म के सेट पर खासा व्यस्त हैं और इसलिए वो अपना फोन तक नहीं उठा पाते कई बार। उम्मीद है जैसे ही दोनों को पता चलेगा आम्रपाली को बधाई जरूर मिलेगी। वैसे भी दोनों पहले आम्रपाली की तारीफ कर चुके हैं। हाल ही में संयोग से बनी इंडस्ट्री की नई नवेली और चर्चित जोड़ी अक्षरा सिंह और रितेश पांडे ने एक फिल्म साथ में की। पहली बार पवन से अलग होकर किसी और हीरो के साथ अक्षरा की केमिस्ट्री देखने का इंतजार दर्शकों में बेसब्री से बना हुआ है। दोनों की फिल्म राजा राजकुमार का इंतजार यही कारण है कि लोगों को बेसब्री से है। इस फिल्म का इंतजार जिन लोगों को है उनके लिए ये किसी खुशी से कम नहीं होगी खबर कि फिल्म का ट्रेलर 1 से 2 सप्ताह के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी पूरा हो चुका है। हालांकि इस फिल्म की रिलीजिंग डेट भी पहले ही सामने आ चुकी थी। जी हां, 27 फरवरी को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसका निर्माण शांति फिल्म प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है। JMS की प्रस्तुति भोजपुरी फिल्म राजा राजकुमार का टीजर और ट्रेलर जल्द ही वेब म्यूजिक कंपनी से रिलीज होगा। टेक्निकल रूप से स्ट्रॉन्ग फिल्म के निर्माण की कड़ी में भोजपुरी फिल्म राजा राजकुमार की शूटिंग हाल ही में पूरी की गई थी। भोजपुरी फिल्म राजा राजकुमार की शूटिंग दानगंज, बनारस, विंध्याचल, मुंबई फिल्म सिटी और कई मनोरम स्थलों पर की गई है। फिल्म के निर्माता सुभाष यादव, राजीव रंजन कश्यप हैं। भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की हर फिल्म आने से पहले ही शूटिंग के समय से ही खूब चर्चाएं बटोरती हैं। अगर उसमें भी खेसारी से जुड़ जाए निरहुआ की उस फिल्म का नाम और लोगों के जहन में बस ना जाए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जितनी नजरें लोगों की दिनेश लाल की फिल्मों पर रहती हैं उतनी ही नजर रहती है खेसारी की फिल्मों पर। आप लोग जानते होंगे कि खेसारी के अरब फिल्म को ही बाद में निरहुआ को दे दिया गया था। अब ऐसे में जब से निरहुआ ने इस फिल्म के लिए हाँ किया है तब से चर्चाओं में निरहुआ छा गए हैं। इसी बहाने इस फिल्म का प्रमोशन भी जोरों शोरों से अभी से होने लगा है। दरअसल अरब फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। गुजरात में इस फिल्म का मुहूर्त हुआ, 6 हीरोइनें इस फिल्म में नजर आएंगे। इस बात की जानकारी हम पहले भी आपको दे चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म की शूटिंग होगी कहाँ? अब अरब की बात हुई है और बाहरी देशों में शूटिंग ना हो ऐसा हो नहीं सकता। अगर वो भी पराग पाटिल जैसे इस फिल्म के निर्देशक हों और उनके स्टाइल में फिल्म ना बने ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि संघर्ष फिल्म देखने के बाद दर्शकों को भी पराग पाटिल से काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी। यही कारण है कि वो अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। फैसला लिया गया है कि निरहुआ की अरब फिल्म को 4 अलग अलग देशों में शूट किया जाएगा। सुनने में आया है पहले ओमान में शूटिंग होगी, फिर दुबई में शूटिंग होगी, उसके बाद कतर और अबू धाबी में भी इस फिल्म की शूटिंग होने वाली है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि इतने सारे फिल्मों में बदलाव करने के बाद लोगों को ये फिल्म कितनी पसंद आएगी। आज के भोजपुरी हलचल से जुड़े प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही इंडस्ट्री और सितारों से जुड़ी हलचल भरी खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।